नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पहले सूचित किया गया था कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आपको फॉर्म भरने का मौका है 28 जनवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 तक शाम को 5 बजे तक। तो दोस्तों, अब चूंकि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है, अब आपको फॉर्म भरना है। अब आप कड़ी मेहनत लग जाइए, क्योंकि इसका पेपर भी ज़्यादा डिले नहीं होगा। जहाँ तक है मार्च अप्रैल में इसका प्रीलिम्स पेपर हो जाएगा। और यहाँ पे खास बात यह है कि इसका प्रीलिम्स पेपर भी ऐड होता है, जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका ये प्री पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए दोस्तों, कड़ी मेहनत करिए, लग जाइए। अब आपका टाइम आ चुका है, एकदम इसको बहुत मिशन बना लीजिए और कड़ी मेहनत से आप दिन पर दिन मेहनत करते जाइए। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हम जितना हो सकेगा उतना वीडियो डालेंगे, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा एंड आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, लग जाइए, मेहनत कीजिए। आपको इस बार रैंक लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, बहुत मेहनत करिए, लग जाइए। दोस्तों, पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा, 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और 50 मार्क्स का आपको आएगा रीजनिंग एप्टीट्यूड। उसमें एप्टीट्यूड पोर्शन कम ही रहता है, रीजनिंग पोर्शन ही रहेगा, बहुत ही इजी रीजनिंग रहती है। उसमें आपको एम करके चलना है कि 50 में 40 प्लस मिनिमम होना ही चाहिए, और जहां तक है 45 प्लस आप आराम से खींच सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में भी आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स लाना है, और टेक्निकल में तो आपको लगा ही देना है दम। हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके जनरल अवेयरनेस की वीडियो प्रोवाइड किया जाए, और टेक्निकल की भी जितनी हमसे हो सकेगी उतनी आपकी हम हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एक और बात दोस्तों, इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं, तो इस बार आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो इस बार आप ये समझिए कि ये आखिरी बार है, बस एक बार की ही पढ़ाई होती है, ऐसा समझ लीजिए कि एक ही बार तो पढ़ना है। दम लगा दीजिए दोस्तों, जान लगा दीजिए, इस बार आपकी जीत पक्की है। धन्यवाद।